देखिए, हमने ई सेल निकाला स्टैंडर्ड कंडीशन पर, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन हमारे दिमाग में ये था कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं हो प्रैक्टिकल कंडीशन, प्रैक्टिकल के इंस्ट्रूमेंट भी नहीं हो, तो क्या कोई थियोरिटिकल फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की वैल्यू से नॉन स्टैंडर्ड की कंडीशन पे वैल्यू पे निकाल सकें? हाँ है, ठीक है, उसको निकालना पड़ेगा हमारे लिए। उसके लिए हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ऑफ फ्री एनर्जी, डेल्टा जी, कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। इसको लिख लीजिए, फ्री एनर्जी चेंज। देखो, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर ऐसा कोई वर्क है जो एक्सपांशन नहीं हो रहा, नॉन एक्सपांशन वर्क है, उसी को डेल्टा जी बोलते हैं। समझिएगा बात को, नहीं समझ में आ रहा? यहां आपके पास क्या है, आईसी इंजन है, यहां से आपके पास फ्यूल गया, इस फ्यूल के अकॉर्डिंग मान लीजिए 100 कैलोरी भी गई, 100 कैलोरी में से गर्म एयर की, हॉट एयर की वजह से 10 कैलोरी बाहर निकल गई, तो बाकी की 90 कैलोरी कहाँ गई है? इसका मतलब वर्क में दो तरह के वर्क हो गए, एक एक वर्क इसको एक्सपांशन करने में काम आएगा, समझ में आ रहा है, इसको उधर भेजेगा। और मान लीजिए आपने एक्सपांशन करने के साथ ही इस पिस्टन के साथ क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट से व्हील शाफ्ट अटैच कर दी, जिससे व्हील रोटेट हो रहा है, तो दो तरह के वर्क हो गए। ये नॉन एक्सपांशन है क्योंकि ये घुमा रहा है, रोटेशन है तो नॉन एक्सपांशन है, और ये वाला वर्क क्या है आपके पास, एक्सपांशन वर्क है, जिसको आप क्या बोलते हो, पीडीएफ, पीडीवी, ये एक्सपांशन वर्क है और ये नॉन एक्सपांशन वर्क है। इसका फॉर्मूला अलग होता है, ये पीडीवी से नहीं निकाला जाता, तो ये चीज आपके लिए कहलाती है डेल्टा जी, नॉन एक्सपांशन वर्क। तो जितने भी नॉन एक्सपांशन वर्क है वो क्या होते हैं, डेल्टा जी। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर अगर आप देखते हैं, तो ये जो वर्क मिलता है आपको, ये नॉन एक्स, एक तरह से जो ई सेल होता है ये जनरेट करता है डब्ल्यू नॉन एक्सपांशन को, और वो आपको जनरेट करता है डेल्टा जी को। तो कहीं ना कहीं डेल्टा जी की वैल्यू ई सेल से रिलेटेड होती है, और उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस, तो रहता है ये वर्डन, माइनस एन ई एफ। यहां एन क्या है, यहां एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन इक्वेशंस, इन गिवन इक्वेशंस, गिवन सेल रिएक्शन, यानी यहां पर आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ई क्या है यहां पर, ईएमएफ ऑफ सेल, एफ क्या है यहां पर, फराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलाम होती है। नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कूलाम, तो ये आपके पास हो गया डेल्टा जी। और आपको मैं बता देता हूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, जूल, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जहां तक एक आइडिया से मैं लिख रहा हूं, अगर आप डेल्टा जी निकालना चाहते हैं फॉर रिएक्शंस, एग्जाम्पल भी हो गया और फॉर रिएक्शंस, और रिएक्शन इस तरह से दी हुई है, जिंक से Zn+2 Cu+2 से कॉपर, ये दिया गया है ई, Zn से Zn+2 के लिए आपको दिया गया है 0.65, और कॉपर प्लस टू से
कॉपर में चेंज होने के लिए आपको दिया है 0.45, और पूछा जा रहा है डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सारी स्टैंडर्ड कंडीशन है तो डेल्टा जी भी स्टैंडर्ड में आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। मान लीजिए ये स्टैंडर्ड है तो फिर ये भी स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि जो टेम्परेचर प्रेशर इसके लिए स्टैंडर्ड है तो फिर तो अपने आप ये भी स्टैंडर्ड, ये नॉन स्टैंडर्ड तो ये भी नॉन स्टैंडर्ड। तो डेल्टा जी निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ई नॉट सेल निकालेंगे, क्या आएगा 0.65 प्लस 0.45, और ये वैल्यू कितनी आएगी 1। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एन, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है यहां पर, 2। ई कितना है 1, और 96500 डिवाइडेड बाय 1000 किलो जूल, अगर 1000 नहीं डिवाइड करते तो जूल आता, लेकिन जनरली 1000 का डिवाइड करते ही ये वैल्यू किलो जूल में कन्वर्ट करके यही आंसर दिया जाता है। कर लीजिए इसको, देखो तुम्हारा डाउट अच्छा है, तुम्हारा डाउट ये है कि माइनस क्यों आ रहा है, तो सेल के अंदर जब भी एनर्जी होगी वो बाहर निकलेगी, तो वर्डन बाय सिस्टम ऑलवेज नेगेटिव, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रांसफर कोई यूनिट नहीं है, वोल्ट कुलाम, कुलाम वोल्ट हो गया, तो ये हमारे लिए एक तरह से क्या हो जाएगा, कुलाम वोल्ट किसकी यूनिट हो गई, एनर्जी, किस एनर्जी की कौन सी आएगी, कुलाम वोल्ट एम के से, तो जूल बनेगी, जूल बनेगी तो किलो जूल में चेंज कर सकते हो। हाँ बोलिए बेटा, 1.1, तो ये कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। एनी अदर डाउट? नहीं है। अगर किसी बच्चे ने, मैं सिंपल सा लॉजिक ले रहा हूं, कर दूं मैं, अंतर क्या है ई नॉट और ई डेल्टा जी नॉट में, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपका निकल के आएगा, मैं बताऊं, एक बहुत छोटा सा पॉइंट है जो तुमने नहीं पूछा, मैं अपनी तरफ से बता देता हूं। देखो ये निकल के आ रहा है पॉइंट कि अगर मैंने ये रिएक्शन ऐसे लिखा है, जेड एन प्लस कॉपर प्लस टू, जेड एन प्लस टू प्लस कॉपर, बताओ इस जगह ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास, 1.1 वोल्ट, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास, माइनस 2 × 1.1 × 96500 डिवाइडेड बाय 1000 किलो जूल। क्लियर है? किसी बच्चे ने इसको इस तरह से लिख दिया, तो वो सही है या गलत है, पहला का आंसर मेरे को बताओ, क्या वो सही है या गलत है? सही है। अब बताइए यहां ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, 1.1 वोल्ट, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो माइनस एन ई एफ 4, क्योंकि यहां पर पहले कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, 2 का, अब 2 इलेक्ट्रॉन × 2, 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, तो −4 × 1.1 × 96500/1000। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है ई नोट सेल अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी है, और डेल्टा जी नोट डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी है, तो यहां से आपके पास एक बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, और ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। तो फर्क है, अगर किसी भी रिएक्शन को 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा जी चेंज होगा, जबकि ई सेल चेंज नहीं होगा। इससे एक और पॉइंट हम यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास, लिखो फास्ट। एक और पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है कि हम डेल्टा जी का यूज कहां करें, तो हेडिंग डलेगा हमारे पास कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमें किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ तो इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है,
तो कहीं ना कहीं रिलेशन देगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये आपके पास एफ ई है, एफ ई प्लस टू में कन्वर्ट हुआ, फिर एफ ई प्लस थ्री में कन्वर्ट हुआ, यहाँ ई वन दे रखा है, यहाँ ई टू दे रखा है, और ये एफ ई डायरेक्ट अगर इसमें होता है तो ई थ्री हो सकता है। समझ में आ रही है बात? यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उसको मैंने एन वन शो कर दिया, एन फैक्टर, यहाँ एन टू शो कर दिया, यहाँ एन थ्री शो कर दिया तो कर दिया, ठीक है। अब बताइए, अगर ये दोनों वैल्यू दे रखी है तो इसकी वैल्यू निकालना, या ये दो दे रखी है इसकी वैल्यू निकालना, इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा? बहुत आसान है, ई थ्री एन थ्री माइनस एन ई एफ हो गया, माइनस एन थ्री ई थ्री एफ इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन ई वन एन वन ई वन एफ माइनस एन टू ई टू एफ। कर सकता हूं मैं ऐसा? क्यों कर सकता हूं मैं? क्योंकि मुझे मालूम है डेल्टा जी थ्री की वैल्यू क्या है, डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू, दिस वन प्लस दिस वन इक्वल टू दिस वन, कोई डाउट नहीं है। तो जब मैं वैल्यूज रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन वन ई वन प्लस एन टू ई टू डिवाइडेड बाय एन थ्री, और एन थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, एन वन प्लस एन टू ही होगी। तो इस तरह से आप ई थ्री निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहता है ई थ्री की वैल्यू ई वन प्लस ई टू हो जाएगी, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आ रही है बात समझ में? डायरेक्ट ऐड करना बेवकूफी है। अब एक और पॉइंट है जो मैं आपको यहां की पॉइंट के रूप में लिखा रहा हूं, या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब भी किसी चीज को अरेंज करें तो मेरे तरीके से करें, गलती होने के चांसेस खत्म से हो जाएंगे। जैसे एम एन प्लस मैगनीज है, प्लस सेवन है, प्लस सिक्स है, प्लस फाइव है, प्लस टू है, एम एन मैगनीज और जीरो है, तो या तो डिक्रीज में लिखें या इंक्रीज में लिखें, गलती नहीं होगी। लेकिन अगर ये चीज बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, इनमें आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हो, आप बहुत सारे लिख सकते हो, ये ई वन ई टू ई थ्री ई फोर, ये आप मान लो ई फाइव ई सिक्स ई सेवन ई एट, सब निकाल सकते हो एक दूसरे के साथ रिलेशंस। लेकिन अगर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लिया तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, या तो सबको इंक्रीजिंग में लिखो या सबको डिक्रीजिंग में लिखो। तो ये बिल्कुल सही है। इस जगह अगर आपसे किसी ने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सिक्स, ई सिक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ई सिक्स यहां से यहां है, ई वन मल्टीप्लाई बाय कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, एक का, प्लस ई टू कितने का हुआ है, वन डिवाइडेड बाय टू। अगर किसी ने कहा ई सिक्स नहीं, आपको ई फाइव भी निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ई वन इंटू वन प्लस ई टू इंटू वन प्लस ई थ्री इंटू थ्री डिवाइडेड बाय फाइव, ऐसे करोगे। अगर किसी ने कहा ई सेवन निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई सेवन, ई सेवन तो कुछ भी नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है, ई वन ही हो जाएगा वो तो। किसी ने कहा ई एट निकालना है, अब तो बस ई वन इंटू वन प्लस ई टू इंटू वन प्लस ई थ्री इंटू थ्री प्लस ई फोर इंटू टू अपॉन सेवन। समझ में आ रहा है? या तो इंक्रीजिंग में जाना चाहिए ये ऑर्डर, या डिक्रीजिंग में जाना चाहिए। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ गया तो आपसे कहाँ गलती होगी वो आपको नहीं मालूम पड़ेगा, मैं तो कर लूंगा क्योंकि मुझे तो फिर यहां पर प्लस माइनस लगा के चेंज करने की आदत है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल करते, आप ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, इसको लिखो। अच्छा एक मिनट, तो ये हमारे पास हो गया। कई बार ऐसा होता है कि ये सारा डायग्राम आपको खुद को बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर ने पूछा इफ एम प्लस थ्री से, इस तरह से दिया हुआ है, ई एम प्लस थ्री से एम प्लस टू माइनस 1.5 वोल्ट, लिखते जाओ ई
एम प्लस थ्री से एम प्लस प्लस 5.0 वोल्ट, और पूछा जा रहा है ई एम से एम प्लस से, ये भी दिया जा रहा है एम प्लस से एम प्लस थ्री से प्लस, और ठीक है हमसे ये पूछा जा रहा है प्लस वन से प्लस टू, बताओ क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो प्लस वन से प्लस टू, तो एक मिनट, करते वक्त आपके दिमाग में ये आना चाहिए बढ़ता हुआ पूछ रहा है या घटता हुआ पूछ रहा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क। तो ये फाइव है तो ये बढ़ता हुआ पूछ रहा है पक्का, तो बढ़ता हुआ ही सीक्वेंस लिखो, ई ऐसे बनाओ इसको प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, अब वैल्यूज रखना चालू करो, वन से टू ये पूछा जा रहा है, मान लो ये एक्स है, टू से थ्री 1.5 क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ है, और वन से थ्री -5 ऐसे, अब आ गया समझ में। तो ये डायग्राम आपको खुद को बनाना पड़ेगा, आपसे वन से टू पूछा जा रहा है तो वन से टू वाली टर्म आपको दिखनी चाहिए, तो वन से टू, टू से थ्री इस तरह से बनाओ। अगर ये टू से वन पूछा होता तो मैं कैसे स्टार्ट कर रहा, थ्री से टू, टू से वन, बस इस तरह से पकड़ के चल गया, तो अब मेरा काम बहुत आसान हो गया। -5 इज इक्वल टू इंटू टू, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, एक्स मल्टीप्लाई बाय वन प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय अगेन वन, तो क्या एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, बस एक्स की वैल्यू निकाल दो, मैथ कितना आ रहा है एक्स की वैल्यू, आ गया इजी है। ऐसे क्वेश्चन करते वक्त बच्चा डर सकता है और ये कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन आ जाता है इसमें कई बार, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये चीज लिख लिया आपने, जल्दी लिखो इसको। अब ऐसे आ सकता है एग्जाम्पल, इसी में एक और एग्जाम्पल पूछा जाता है, इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम एलिमेंट एक्स, कोई भी अननोन एक्स एलिमेंट दे रखा है, और गिवन क्या है एक्स टू से एक्स माइनस हो रहा है, और एक हो रहा है एक्स टू से एक्स प्लस 5 हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको दिया जा रहा है एक तरह से रिडक्शन पोटेंशियल दिया जा रहा है यहां पर 2.5 वोल्ट, और ये दिया जा रहा है आपके पास 1.5 वोल्ट। आपसे पूछा जा रहा है शो दैट अबाउ अबाउ एक्स टू एलिमेंट शो, या शो दैट अबाउ एक्स टू एलिमेंट इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम गिव्स डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, हाँ तो कोई भी एलिमेंट अगर डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो कर रहा है तो पता है क्या होगा, हमें इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम्पल की फॉर्मेट में बनाना पड़ता है, यानी कोई भी अगर एलिमेंट डिसप्रोपोर्शनल शो कर रहा है और वो एलिमेंट है एक्स टू, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, ये ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन क्या होगा, सही है। अब इसका ई सेल निकाल लो, ई सेल की वैल्यू क्या होगी एक्स टू से एक्स प्लस 1.5 प्लस एक्स माइनस से एक्स टू, मान लीजिए यहां माइनस ही है, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.0 वोल्ट, जो कि पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू शो दैट अबाउ रिएक्शन इज पॉसिबल,
सो एक्स टू शो स्पॉन्टेनियस, लेकिन आपने कैसे करा, आपको खुद को ई सेल बनाना पड़ेगा, एक तरफ ऑक्सीडेशन लेना पड़ेगा, एक तरफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ पॉसिबल है, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन एक साथ पॉसिबल नहीं है, केवल अकेला ऑक्सीडेशन या अकेला रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं तो साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, लिखो इसको, सेलेक्शन ऑफ हाइएस्ट इलेक्ट्रो सेलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर हाइएस्ट ईएमएफ सेल, कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखो ये एक तरह से स्वयंवर है हमारा इलेक्ट्रोड का, कि हमें सबसे बेस्ट पेयर सेलेक्ट करना है, एग्जामिनर कोई सा भी दे बेस्ट करना है, तो एग्जामिनर आपको बहुत सारे इलेक्ट्रोड देगा, आप उन सब इलेक्ट्रोड को एक ही उसमें लाइन में लेके जो सबसे हाईएस्ट है और जो सबसे लोवेस्ट है उसको सेलेक्ट करके डाल दो, बस वही ई सेल आपका मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है ना, तो कोई बहुत ज्यादा टफ वाला काम नहीं है। कैसे करेंगे आप सॉल्यूशंस, कंसेप्ट क्या आएगा आपका, ऑल द इलेक्ट्रोड्स, ऑल द इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट या प्रेजेंट इन सेम स्केल, सेम स्केल में डाल दो, ये सेम स्केल का मतलब या तो सारे क्या होंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होंगे या सारे क्या होंगे रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ऑल इलेक्ट्रोड आर इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, आधे ऑक्सीडेशन आधे रिडक्शन मत करना, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है, देन सेलेक्ट द पेयर, देन सेलेक्ट द पेयर ऑफ हाइएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ई, बस उसमें हाइएस्ट और लोवेस्ट सेलेक्ट कर लो, और दैट पेयर शो ई मैक्सिमम ऑफ सेल, बस कितना आसान है, इन तीन प्रोसेस से आप जाओ आपको फटाफट पता चल जाएगा। बाकी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल ऐसा आएगा, इफ फोर इलेक्ट्रोड इस तरह से ए से ए प्लस टू, बी से बी प्लस, सी प्लस टू से सी, और डी प्लस थ्री से डी प्लस टू, ये कुछ इलेक्ट्रोड है। पहला वाला क्या है एक तरह से ऑक्सीडेशन, दूसरा वाला क्या है ऑक्सीडेशंस, तीसरा वाला क्या है, चौथा वाला क्या है रिडक्शन, मान लीजिए ये -1.5 है, ये +1.6 है, ये -3.2 है, ये +1.2 है, समझ में आ रहा है, तो सबसे पहला काम करो क्या, तो इनको सेम सेल में लिख लो, ये ऑक्सीडेशन है ठीक है ओके, ये भी ऑक्सीडेशन है ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दो 3.2, अब ये भी सही हो गया, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दो -1.2, ये भी सही हो गया, और अब इनको गोला बना दो जो आपके सेम आ गए, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट है 3.2, तो ये सी हो गया, और लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, गलत यहां पर 1.2 है, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी होगी माइनस वाली, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शंस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड पेयर, और सेल इक्वेशन पता है क्या बनेगी, इसका तो ऑक्सीडेशन ही होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो सी से सी प्लस टू, और इधर हो जाएगा ए प्लस टू से ए, ये आपका आंसर आएगा जो मैक्सिमम ई सेल जनरेट करेगा,
और मैक्सिमम ई सेल की वैल्यू क्या होगी? 3.7 प्लस 1.2, 3.2 प्लस 1.5, 4.7। तो आपने दो तरह की क्वेश्चन बता दिए, एक पेयर कौन सा होगा, एक सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और थर्ड ई सेल की वैल्यू क्या होगी, और बहुत जल्दी बता दिए। कैसे बताया आपने, इन चीजों को फॉलो किया, लिख लें इसे।